हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये तेज पत्ता है, तो इसको मतलब कैसे लगाते हैं, हम आपको ये दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए पहले आपको 1 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपको चाहिए होगी, गोबर की खाद प्लस कंपोस्ट और कुछ और अदर, मतलब ये तो हमारी फसल के जो भी वेस्टेज हैं वो हैं, ये भी हम डालेंगे। ये भी खाद का अच्छा काम करता है, इसलिए तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आपको ये जो बैग है, पॉली बैग, इसको निकालना होगा। इससे प्लांट को बाहर बाहर निकालिए। इसमें जो एक्सेस ये खरपतवार के पेड़ हैं, इनको भी आप बाहर निकाल दीजिए। और हो सके तो थोड़ा 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 मिट्टी को, क्योंकि जो नर्सरी वाली मिट्टी यूज़ करते हैं वो बहुत हार्ड रहती है और उसी पॉली बैग में रखे रखे काफ़ी जम जाती है, इसलिए थोड़ा इसकी जड़ों को भी अपन वो कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा लूज कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें पहले इसको ये जो खराब वेस्ट मटेरियल है उसको डालेंगे। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गई थी। फिर उसके बाद हम ये जो गोबर खाद है इसकी एक परत डालेंगे। अब देखिए, एक परत गोबर खाद डाल दिए हैं, इसमें हम हमारी इसकी जो जड़ें हैं ये थोड़ा फ्री हो गई मिट्टी से, जिससे इसको ग्रोथ करने में आसानी होगी। फिर इस पेड़ को हम रखते हैं। ठीक, फिर थोड़ा इसी गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी डालेंगे हम साइड साइड से, बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। फिर थोड़ा ये गोबर की खाद लेंगे एक परत, ज़्यादा नहीं डालना है। एक परत आप ये गोबर खाद डालिए। फिर आपका जो वेस्ट मटेरियल है इसको भी एक बार डाल दीजिए, फिर से एक परत। उसके ऊपर फिर आप ये खाद डालिए, ये ऑर्गेनिक खाद है, पूरी तरह से कंपोस्ट है और गोबर का मिक्सचर है। फिर आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए।
देखिए दोस्तों, हमारा ये पौधा लग चुका है। इसमें हमें बस पानी डालना है, थोड़ा पानी ले आओ। बैठे हैं, इस बार ध्यान रखिए कि इसको प्रेस करके बढ़िया से। चारों तरफ से गार्डन सॉइल प्रेस कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने जो वो एग्रीकल्चरल वेस्ट डाला है वो टाइम के साथ जब सड़ेगा तो ये नीचे जाएगी मिट्टी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मिट्टी चढ़ाएं। देखिए जैसे हमारा पौधा लग चुका है, देखो कितने तेज पत्ता है जो हम मसालों में यूज़ करते हैं। अब इसमें हमें बस पानी पानी डालना है और हमारी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। डालो बस दोस्तों। तो चलिए, हमारा ये प्लांट लग चुका है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसे ही आइडियाज़ देते रहें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।